अस्सलाम वालेकुम साइंटिफिक राइटिंग के इस कोर्स का आज है डे टू और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं रिगार्डिंग साइंटिफिक राइटिंग तो टाइम जाया जंप करते हैं स्क्रीन आपके सामने हाजिर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक राइटिंग का छह माह का हमारा कोर्स है मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमारतफेल और आप मेरे साथ साइंटिफिक राइटिंग सीख रहे हैं और छह माह के इस कोर्स के लिए डे टू है और आज से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो इस तरीके से चलेंगी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा ईच एंड एवरी स्टेप ऑन ए सेपरेट फिजिकल नोटबुक फ्रॉम नाउ ऑन फॉर सिक्स मंथ्स आप में से जितने भी लोग हैं जो इस वक्त साइंटिफिक राइटिंग के इस कोर्स के अंदर इनरोल हैं या पहले दस दिन का जो फ्री हमारा ये वाला कोर्स है उसको ले रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट डाउन करते जाएं हर एक चीज को अपनी नोटबुक के ऊपर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वट इज साइंटिफिक राइटिंग अब हमें से काफी लोग ऐसे हैं जिनको साइंटिफिक राइटिंग का बिल्कुल भी नहीं पता और ये कोर्स इसी वजह से मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया कि आपको बताऊं साइंटिफिक राइटिंग होती क्या सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो भी मुझे सुन रहे हैं कि प्लीज राइट डाउन व्हाट इज साइंटिफिक राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू यू आप भी यार लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर इससे आपको फायदा होगा आपका जरा ब्रेन स्ट्रॉम होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आइडियाज किस तरीके से जनरेट होते हैं क्या ख्याल है में से कितने लोग लिख रहे हैं लेटमी नो इन द कमेंट सेक्शन जब आप लिख लें तो फिर आप इस डेफिनेशन को देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं हम साइंटिफिक राइटिंग किसे बोलते हैं साइंटिफिक राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ टेक्निकल राइटिंग ये राइटिंग ही है लेकिन टेक्निकल राइटिंग है दैट साइंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू अदर साइंटिस्ट रिसर्चर्स एंड द पब्लिक तो आप क्या करते हैं जिस तरीके से अक्सर अकात शायर शायरी लिखते हैं नावल निगार नावल लिखते हैं लेकिन इसके अंदर टेक्निकल राइटिंग होती है ये अ राइटिंग लेकिन टेक्निकली आप लिखते हैं यानी कि आप दलाइल और सबूतों और गवाहों की बेस पे चीज़ों को लिखते हैं तो जब आप साइंटिफिक राइटिंग कर रहे होते हैं आपका मेन मकसद ये होता है कि आप अपने फेलो साइंटिस्ट को बताएं कि आपने क्या लिखा है या आप पब्लिक को बताते हैं या रिसर्चर को बताते हैं या अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए दुनिया में कोई मुखालिक पब्लिश करते हैं जिन्हें हम पेपर्स भी बोलते हैं या जिन्हें हम थीसिस भी बोलते हैं अक्सर अवकात आप जब मास्टर का थीसिस या बैचलर्स का डिग्री कर रहे होते हैं तो उसमें थीसिस लिखना जरूरी होता है जैसे मास्टर्स की डिग्री के लिए और बैचलर्स की डिग्री के लिए इसी तरीके से

आपके माइंड में चल रहा होगा कि साइंटिफिक राइटिंग इस वजह से की जाती है कि साइंस हमने दूसरों तक पहुंचानी है ये हमारी ड्यूटी है जैसे कि आ, वो बात आपने सुनी होगी कि इल्म बांटने से बढ़ता है इसी तरीके से साइंस भी बांटने से दुनिया का भला होता है साइंस जब भी होती है ये इल्म को आगे लेके चलती है जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट दूसरों को बता रहे होते हैं जब साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं तो इसका पर्पज मेन क्या है मेन परपज है टू कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग्स थियरीज एंड मैथडोलॉजीज इन ए क्लियर कंसाइज एंड सिस्टमैटिक मैनर आप क्लियर बताते हैं और कंसाइज मैनर में बताते हैं एंड यू से इन ए सिस्टमैटिक मैनर सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है कि सबसे पहले आप बताते हैं कि मुझे ये आइडिया कैसे आया फिर आप बताते हैं कि इस आइडिया के बेस पर मैंने कौन कौन से तजर्बात किए और मेरी मैथडोलॉजी क्या थी उस तजुर्बात को करने की अब आइडिया के लिए आप कुछ सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है फिर आप उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट तजर्बात के थ्रू अगर वो प्रूव हो जाए या उसके अंदर कोई चैलेंजेस आए देन आप रिजल्ट्स उसके निकालते हैं सेम वही चीज है मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं कि आप सब्जी मंडी सोच रहे हैं कि मैं सब्जी मंडी जाऊं और आज शाम को मैं कोई एक ऐसी सब्जी बनाऊं जो सब में सब घर वालों को पसंद हो ठीक है अब आपने एक सोच बना ली ये आपका आइडिया है कि आज हमने सब्जी ऐसी बनानी है घर में जो सबको पसंद है ठीक है अब सबको पसंद से मुराद ये है कि आपको या तो पता होना चाहिए कि सबको क्या पसंद है या आपने सबसे पूछना स्टार्ट करना है से फॉर एग्जाम्पल आप अपने अब्बा जान से पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है ठीक है फिर आप अम्मा से पूछते हैं फिर छोटे बहन भाइयों से पूछते हैं फिर आप खुद से अंदाजा लगाते हैं कि आज मेरा क्या खाने को दिल कर रहा है और वो जो एक सिस्टमेटिक मैनर है आइडिया सोचने से लेके उसको प्रूव करने तक दैट इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक राइटिंग लेकिन जाहिर बात है आप सभी से पूछ लेते हैं उनको पसंद है आलू भिंडी हालांकि आलू भिंडी में नहीं पड़ते लेकिन आपके घर

क्या ही बात है तो इसका मतलब है कि आपने भिंडी जबरदस्त बनाई और आपके रिजल्ट आपके जो आपने आइडिया सोचा था उसके मुताबिक आ गए अब जब आप इन चीजों को लिखते हैं तो वो होती है साइंटिफिक राइटिंग ठीक है लेट्स सी इसका ये है टू कम्युनिकेट रिसर्च एंड मैथोडोलॉजिकल मैथोडोलॉजीज इन क्लियर कंसाइज एंड सिस्टमैटिक मैनर ठीक है दिस रिलाईजी ऑन इंपीरिकल एविडेंस एविडेंस क्या होता है कि आपने कोई एनालिसिस किया और आपके पास कोई क्वांटिटीज़, अमाउंट या कोई डेटा ऐसा आ रहा है जो आपको प्रूफ करने में दलाइल के तौर पे यूज किया जाए डेटा एंड रेफरेंसेस टू टू प्रीवियस रिसर्च सपोर्ट क्लेम्स एंड कंक्लूजन अब आपने जो भिंडी बनाई है ना प्रीवियस रिसर्च यानी कि आपसे पहले अगर दो दिन पहले तीन दिन पहले भिंडी बनी थी सबको पसंद आई उसे दस दिन पहले बनी थी भिंडी सबको पसंद आई या उसके पास पास की कोई सब्जी बनी वो सबको पसंद आई इसका मतलब भिंडी भी पसंद आई होगी सो दीज काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज और मेथडोलॉजीज यू कैन यूज इन योर साइंटिफिक रिसर्च एंड कम्युनिकेशन और ऑब्वियसली हम रिसर्च में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते लेकिन आप क्या करते हैं एम्पेरिकल एविडेंस होता है आपके पास डेटा होता है एंड रेफरेंस टू द प्रीवियस रिसर्च साथ वाले घर में भिंडी बनी थी वो भिंडी हमने घर में मंगवाई और मुझे बहुत पसंद आई या मेरी पप्पो ने एक दिन बनाई थी भिंडी वो हमारे घर में भेजी तो सबने कहा क्या कमाल भिंडी बनी है वाह पप्पो क्या मला आ, क्या आला मजा आया सो यू कैन एक्चुअली रिलाई ऑन दो प्रीवियस फाइंडिंग्स एज वेल अच्छा जी ये जो प्रीवियस फाइंडिंग्स होती हैं बाय द वे इसको हम बोलते हैं लिटरेचर या आपकी रिसर्च के अंदर अभी तक क्या हो चुके हैं यानी कि सारा मोहल्ला या सारा एरिया या सारी कलोनी अगर भिंडी खा रही है तो क्या आप घर में बनाएंगे आप सबके लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी दैट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन द लिटरेचर एविडेंस ठीक है तो इसको लिटरेचर बोला जाता है अच्छा जी पर्पज हमने देख लिया अब हमारे पास होती है इसकी स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है टिपिकली जो साइंटिफिक राइटिंग की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से फॉलो करती है आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर मेथोडोलॉजीज़ होती हैं या मेथड्स होते हैं रिजल्ट्स होता है डिस्कशन होता है एंड रेफ्रेंस और ये एक रिसर्च राइटिंग की एक टिपिकल आप कह सकते हैं कि एक एक स्ट्रक्चर है इंट्रोडक्शन की जगह लिटरेचर सर्वे भी आ जाता है या लिटरेचर ऑफ रिव्यू आ जाता है इन थीसिस और मैथड्स कभी रिजल्ट के बाद आ जाते हैं डिस्कशन से पहले आ जाते हैं या डिस्कशन के बाद आ जाते हैं रेफरेंसिस ऑल द टाइम एट द एंड ही होते हैं एबस्ट्रेट से पहले आपका टाइटल भी होता है सो so, ये स्ट्रक्चर हर डॉक्यूमेंट की बेस पे चेंज होती रहती है अब कुछ डॉक्यूमेंट्स के मैं आपसे नाम पूछता हूँ आपने क्या करना है उनको सर्च करना है और उनको फिर नीचे लिखना है कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो इन योर नोटबुक पहला डॉक्यूमेंट थीसिस की स्ट्रक्चर क्या होती है हाँ वो बैचलर का हो मास्टर का हो या पीएचडी का हो ऑब्वियसली ये यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है लेकिन आपने अपनी यूनिवर्सिटी की अगर आप बैचलर के हैं तो बैचलर की थीसिस की क्या स्ट्रक्चर है मास्टर्स के हैं तो मास्टर्स के थीसिस की क्या स्ट्रक्चर है अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कर लिए तो उस थीसिस की क्या स्ट्रक्चर है आपकी यूनिवर्सिटी की आपने वो राइट डाउन करना है इन द क्यूमेंट सेक्शन विद योर यूनिवर्सिटी ने सेकेंड थिंग आपने ये देखना है कि एक नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल क्या होता है या रिव्यू आर्टिकल क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है दो चीजें होगी तीसरी चीज ये होगी कि आपने देखना है सिस्टमैटिक रिव्यू आर्टिकल की स्ट्रक्चर क्या होती है तीन चीजें होगी फोर्थ वन यू शुड नो रिसर्च पेपर की स्ट्रक्चर क्या होती है रिसर्च आर्टिकल की तो आपने ये चार डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रक्चर जो है उसे लिखना है ऑब्वियसली हम भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर लेकिन अगर आप देखेंगे इसको तो और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे चीजें देखेंगे ना छोटी छोटी असाइनमेंट्स इस तरह की मिलती जानी है इस पूरे कोर्स में ऐसा नहीं है कि आप आए हैं और आप कहेंगे सानू पढ़ावे बैठे पढ़ने ली या आप, आप हमें बताते हो जो हम पढ़ते रहते हैं ऐसा नहीं होगा यू शुड लर्न बाई योर सेल्फ एज वेल ठीक है कमेंट सेक्शन में भी लिखे अपनी नोटबुक के अंदर भी ओके देन स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास आता है कि किसको कब और क्यों ये काम करना चाहिए सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है स्टूडेंट की रिसर्चर की साइंटिस्ट की या कंटेंट राइटर की अब स्टूडेंट्स की क्यों है क्योंकि उसने डिग्री करनी है उसके लिए बहुत जरूरी है साइंटिफिक राइटिंग को सीखना रिसर्चर की क्यों है रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं लेकिन उसको रिजल्ट्स को पब्लिश करना बहुत जरूरी है इस वजह से उनके लिए बहुत अहम है साइंटिस्ट सेम वही चीज़ है उन्होंने साइंस के कोई एक्सपेरिमेंट किया नाउ दे नीड मोर फंड्स और उसके लिए उन्हें लिखना जरूरी है एंड देन कंटेंट राइटर ऐसे राइटर्स जो ब्लॉगिंग करते हैं बट इन साइंटिफिक वे या वो न्यूज लेटर लिखते हैं या वो किसी किस्म की आप कह लें कि साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन को एक न्यूज लेटर प्लस किसी किस्म की पॉडकास्ट करते हैं या ब्लॉगिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो भी साइंटिफिक कंटेंट राइटिंग हो जाती है और उसे भी साइंटिफिक राइटिंग कहते हैं एंड देर आर मेनी अदर वेज ऑफ साइंटिफिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन जिसमें दो किस्में हैं औरल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन मेन और ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर आप सेमिनार्स के थ्रू अपनी साइंटिफिक आउटकम्स किसी को बताते हैं ऑरल प्रेजेंटेशन के थ्रू साइंस पिच टॉक्स होती हैं जिसमें आप दो मिनट तीन मिनट के लिए अपनी पूरी रिसर्च बताते हैं देन आपके पास रिसर्चर नाइट्स होती हैं देन आपके पास साइंटिफिक मेला वगैरह होते हैं जैसे किसान मेला या सम अदर मेलाज या आप कह सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आम पब्लिक के लिए डेज होते हैं एक्सपोज होते हैं वहाँ पर या पोस्टर्स आप प्रजेंट करते हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसिस या आप डेटा रिपोर्ट्स को प्रजेंट करते हैं सो so, यू औरल कम्युनिकेशन में भी आप साइंटिफिक कम्युनिकेशन करते हैं आपको पता होगा आपके यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सरों का सेमिनार्स भी होते होंगे औरल प्रेजेंटेशन भी होती होंगी एंड डिफरेंट किस्म के पोस्टर के कंपटीशन भी होते होंगे देन रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है रिटर्न कम्युनिकेशन में आप रिसर्च पेपर्स लिखते हैं रिव्यू आर्टिकल्स लिखते हैं ऑफकोर्स अपने मास्टर या पी एच डी का थीसिस भी लिखते हैं

जो रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए पैसे देती हैं ऑब्वियसली गूगल करेंगे आपको समझ आ जाएगी मैं दो तीन नाम बताता हूँ पाकिस्तान में एच ई सी हायर एजुकेशन कमीशन किसी भी जगह पे फंडिंग देती है फिर पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की रिसर्च काउंसल्स हैं वो पैसे देती हैं फिर डिफरेंट किस्म के इदारे हैं हर हर फील्ड से रिलेटेड वो पैसे देते हैं फिर इसी तरीके से इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिसर्च में फंडिंग देते हैं फिर इंडस्ट्रीज पैसे देती हैं कि आप ये पैसे लें रिसर्च करें और इसकी आउटकम आउटकम आप हमें लाइसेंस करेंगे जैसे चैट जीपीटी आया उन्होंने पैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले ने इसमें इन्वेस्ट की हुई थी एंड देन उन्होंने क्या किया चैट जी पी टी फोर या थ्री पॉइंट फाइव या फोर ओमनी जो इस वक्त चल रहा है उसको पकड़ा पकड़ के इंटीग्रेट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सो दे आल्सो पे दिस काइंड ऑफ फंडिंग्स इसके अलावा यूएसए के अंदर एन है देर आर अदर साइंस बॉडीज़ चाइना के अंदर चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल है या चाइनी अकेडमी ऑफ साइंस है वो उनको पैसे मिलते हैं डिफरेंट चाइना गवर्नमेंट के थ्रू इसी तरीके से ताइवान इटली जर्मनी यहाँ पे यूरोपियन कमीशन की फंडिंग होती है मेरी स्कोल्डोज का क्यूर एक्शन की फंडिंग होती है देर आर मनी अदर फंडिंग्स एज वेल तो आपने कुछ गिनी चुनी लिखनी है जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं या फ्यूचर में अगर आप प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना चाहते हैं तो उस पर इस पर डिटेल में बात लेटर ऑन होगी बट फॉर नाउ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स देन रैपिड कम्युनिकेशन जैसे आप ट्वीट्स वगैरह करते हैं या एक्स पे कुछ भी लिखते हैं ट्वी, ट्वीट ट्विटर को अब एक्स बोला जाता है तो इस वजह से यहाँ पे ट्विटर को आप एक्स कह सकते हैं लिंकड इन पोस्ट करते हैं या आप यूट्यूब पे किसी को बताते हैं या रील्स बनाते हैं या कुछ भी करते हैं साइंटिफिकली उसको हम रिटर्न कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं औरल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं एंड दे आर हाईब्रिड एज वेल सो साइंटिफिक कम्युनिकेशन के कई तरीकेकार हैं अब इस पॉइंट पे आपने राइट डाउन करना है कि साइंटिफिक कम्युनिकेशन के कितने तरीके हैं साइंटिफिक राइटिंग के अलावा भी कई तरीके हैं ऑब्वियसली आप पहले लिखेंगे तो फिर देख के बोलेंगे या सोच के बोलेंगे ना ऐसा तो नहीं होगा कि लिखे बिना ही आप कहीं पे जाके बोलना स्टार्ट कर दें तो फिर तो वही बात होगी कि आपको भूल जाएगा सो यूजुअली साइंटिस्ट क्या करते हैं वो पहले लिखते हैं प्रेजेंटेशन बनाई तब भी उसमें लिखा पोस्टर बनाया तब भी उसमें लिखा फिर वो उसे प्रेजेंट करते हैं दैट मीन्स ओरल कम्युनिकेशन इज

और आप पब्लिश नहीं कर रहे इसका मतलब यह है कि आप साइंटिफिक राइटिंग के लिए साइंस जो आपको जरूरी है वही नहीं कर रहे इसकी मैंने यहाँ पे एक लाइनर लिखा हुआ है अगर रिसर्च पब्लिश नहीं की तो समझे रिसर्च की ही नहीं ठीक है अगर आप रिसर्च करके उसे सिर्फ अपने ड्रॉर में रख लेते हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिश करने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो एक थीसिस आपका अलमारी के अंदर चला जाता है दैट मीन्स यू डिडेंट इवन डू समथिंग सो so, इस वजह से रिसर्च को लिखें और पब्लिश करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ताकि आपकी रिसर्च जो आपने दो साल लगाए हैं चार साल लगाए हैं तीन साल लगाएं वट एवर यू हैव डन वो दुनिया के सामने आए बेशक वो इतना क्लास का नहीं लगता आपको लेकिन एक ट्रिक होती है जिसे हम स्टोरी टेलिंग बोलते हैं आप हल्की से हल्की चीज़ को भी अच्छा बना के आगे पेश कर सकते हैं और दुनिया में चलता ये है, है पॉजिटिव को इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोग कि वो बहुत कमाल लगता है एट द एंड पीछे उसके नेगेटिव भी होते हैं जैसे चैट जीपीटी आया था स्टार्ट के अंदर वो जब पब्लिश किया गया चैट जीपीटी 3.5 लोगों ने कहा क्या बात है जी? चैट जीपीटी 3.5 आ गया बॉट है जो मर्जी पूछो लेकिन ट करता था गलत जवाब देता था रेफरेंसेज नहीं देता था बातें बना बना के आपके सामने रखता था देर वर मेरी नेगेटिव पॉइंट्स लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव को आगे रखा इसी तरीके से डेवन आया इसी तरीके से डिफरेंट किस्म की साइंटिफिक रिसर्च होती है दुनिया के अंदर जिसके रिजल्ट बहुत कमाल के नहीं होते बट दे नो हाउ टू प्रिजेंट दे नो हाउ टू राइट दे नो हाउ टू ब्रिंग इट टू द ऑडियंस तो ये ट्रिक अगर आपको आ गई तो आप किसी भी चीज़ को अच्छा लिख सकते हैं दिस कोर्स 95% of the या नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ दिसली फाइव 5% कम्स इन द इंडस्ट्री या applied में सो so आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपने पचनवे में, में रहना है कि पांच फीसद में आना है डेटा इन योर remain रिमेन इन drawers फॉर years एंड रिसर्च बिकम old. ऑब्वियसली जब भी आप कोई काम करते हैं और उसको पब्लिश नहीं करते तो अगर आप उसे पब्लिश नहीं कर रहे तो वो सारे का सारा कुछ पुराना हो रहा है अगर पांच साल बाद आप निकालेंगे तो पांच साल में दुनिया कहीं की कहीं पहुंच चुकी होगी तो पब्लिश एज सून एज पॉसिबल

बादशाह सलामत को अच्छा लगे और दुनिया को फायदा भी मिले ठीक है मोर पीपल कैन बेनिफिट ठीक है अगर इब्ने सीना जो है जिसे वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं अवेचीना, अगर वो द कैन ऑफ मेडिसन बुक ना लिखते तो आज मेडिसन की फील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की ना हुई होती अगर आइंस्टाइन इज इक्वल टू एम सी स्केयर ना बताते तो आज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल रिलेटिविटी और बाकी चीज़ें लोगों के सामने ना आई होती अगर वो ये सारी चीज़ें ना बताते अगर न्यूटन के ऊपर सेब गिरता और वो चुक के खा जा या वो उठा के खा जाता और कहता कोई नहीं किसी ने मारा होगा तो हमारे पास ग्रेविटी का तस्वर ना होता ठीक है रीजन ये है कि न्यूटन पे सेब गिरा उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों आया और उसने दुनिया को फिर अपने मफरूजात बताए थ्योरीज बताई और उन थ्योरीज पे लोगों ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए अगर कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन जर्मनी की जो फाइजर कंपनी बना के अपने पास रख लेती है जॉनसन जॉनसन वाले किसी को बताते ना तो क्या होता आपके पास कोई भी कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन इतनी आम तरीके से ना पहुंचती और कोविड नाइन्टीन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता सो so, साइंस का दुनिया के अंदर डिफरेंट किस्म के इनकलाबा में बहुत ज्यादा रोल है एक और बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ अगर चैट जीपीटी दुनिया में इस वक्त ना आता तो दुनिया में जितनी एडवांसमेंट ए के फील्ड के अंदर अब हो रही है वो हमारे पास इतनी जल्दी ना होती अगर चैट जीपीटी वाला बना के अपने पास ही रखता और कहता है मैंने सिर्फ पांच छह लोगों को देना है तो किसी को वो नजर ना आता इसी तरीके से जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल या कुछ भी आपके फील्ड में आ रहा है वो सब कुछ आपको एफिशेंट बनाने के लिए फिर इसके अलावा अगर नई रिसर्च क्रिस्पर कैस ना आता बायोलॉजी के फील्ड के अंदर जीन एडिटिंग का तस्वर ना मिलता ये जो बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है अगर लोग अपने पास ही संभाल के रख लें तो दुनिया में कोई भी चीज ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए ना चले या बहुत कम चले इट डिपेंड्स सो हमारे पास यहां पे कुछ और चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल द ट्रेडिशनल और फिलोसॉफिकल मोटिवेशन फॉर पब्लिशिंग इज टू शेयर वंस Incremental knowledge and or understanding with the peers across the world and claim the player of priority. पहले दौर में या अब ऐसे लोग लिखते हैं जितना जल्दी वो पब्लिश करते हैं इसका मतलब है कि फ्लाम बंदा है इसका पाइनियर है और पाइनियर होने का मतलब यह है कि आपको उस फील्ड पे कमांड है और इसका मतलब एक और है प्रोजेक्ट प्रपोजल वाली बात याद है जितनी रिसर्च अच्छी होगी उतनी फ्यूचर में मिलियंस ऑफ आपके पास आएंगे टू डू मोर रिसर्च कैसा मजा आया फिर अगर आप अच्छा पब्लिश करेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी एंड देन यू कैन डू इवन मोर अब यहां पे अगर आप हॉर करें पर्पज हमारे पास ह्यूमैनिटी का भी है प्रियोरिटी भी है जैसे चाइना वर्सेस यूएसए चाइना और यूएसए दोनों इतने ज्यादा फंडिंग रिसर्च के अंदर लगा रहे हैं इस वक्त 5G की टेक्नोलॉजी देख लें डिफरेंट किस्म की न्यूक्लियर uh, टेक्नोलॉजी देख लें आप सेटेलाइट के ऊपर टेक्नोलॉजी देख लें दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ कम्पिटिशन दिस देश ठीक है सोशल मीडिया के देख लें टिकटॉक वर्सेज फेसबुक और मेटा यू विल सी अग डिफरेंस इन इन चाइनीज एंड ऑल्सो दू एस वंस ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर इतना काम हो रहा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आप देख लें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख लें गूगल एंड रिसर्च गूगल और फेसबुक और बाकी चीजें अगर वो रिसर्च ना करें तो आपके पास इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और मॉडल्स आपके पास ना आए अब अगर एप्पल माइक्रोसॉफ्ट या नेटफ्लिक्स से डिफरेंट किस्म की अदर जितनी भी कंपनीज है अगर वो रिसर्च ना कर दे तो आपकी फिंगर टिप्स पे चीज़ें ना होती अगर मोबाइल बनाने वाले एप्पल या डिफरेंट किस्म के अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो रिसर्च ना करते तो आपके पास फोन ना होते सैमसंग रिसर्च ना करता तो आपके पास ओलेट स्क्रीन ना होती अगर इस वक्त जो रिसर्च चल रही है बैटरी की दुनिया में अगर बैटरी अब आप एक दिन चला पा रहे हैं एक फ़ोन के अंदर हो सकता है पाँच साल में रिसर्च की वजह से वो बैटरी आपको चार्जर लगाने की जरूरत ही ना पड़े सोलर के थ्रू खुद ब खुद चार्ज होती जाए या आपकी बॉडी टेम्परेचर के थ्रू चार्ज होती जाए जब आप पेंट जी

जस्ट बिकॉज ऑफ दोज diseases. लेकिन आजकल इलाज मौजूद है मोस्ट ऑफ द डिजीजेज का ये एक बहुत बड़ी नियमत है और रिसर्च के बेस पर ही है थ्यूरी को प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है नाउ वट डू यू थिंक इन विच फील्ड यू थिंक के साइंटिफिक राइटिंग बहुत जरूरी है और आपको क्या लगता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या आपको साइंटिफिक राइटिंग करनी चाहिए या नहीं अगर करनी चाहिए तो क्यों दैट ड्रिंग्स टू माई क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू के वट डू यू वॉन्ट टू राइट पब्लिश एंड वट इज योर सब्जेक्ट आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आप क्यों पब्लिश करना चाहते हैं या आप साइंटिफिक राइटिंग सीख के क्या करना चाहते हैं दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है ताकि हम इस पे मजीद बात कर सकें आने वाले दिनों के अंदर वीडियो को यहीं पे पॉज करें और प्लीज टेक योर फाइव मिनट्स टेन यू वॉन्ट टू डू और इसको पॉज करने के बाद यहां पे फिर मेरी बात सुनिएगा आप में से काफी लोगों ने पॉज नहीं ना किया और ना ही लिखा है यह गलत बात है चलिए आप कर लें पॉज गुड हो गया अब आपने लिख लिया होगा आपका पर्पज कि आप क्यों साइंटिफिक राइटिंग सीखें और पब्लिश क्यों करना है अगली क्लास के अंदर हम साइंटिफिक राइटिंग के अंदर और भी डीप डाइव करने वाले हैं अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू द नेक्स्ट डे ऑफ सिक्स ऑफ साइंटिफिक राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम विद डॉक्टर अल्लाह हाफिज